गुजरात मॉडल है ना, गुजरात में भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ इस प्रकार की बातें तो नहीं हो पा रही है। माजी साहब कह रहे हैं कि सर गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए, आपके जब वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं, हमसे आएंगे तो उनको बता हाँ परमिट के साथ हो जिससे गुजरात मॉडल, हाँ गुजरात मॉडल जैसे चलता है उस तरह से शुरू करें। क्या पता कब लागू हुआ था, तो ये क्या सर्वसम्मति से लागू हुआ जी? सब जगह लिमिट है, कहीं जरूरत है तो उसको शराब मिल जाता है बजाबता परमिट के साथ, तो उसी तरह से यहाँ भी हो। कोई बात है कि एक तो इतना आप जान लीजिए, ज्यादातर लोग तो शराबबंदी के पक्ष में, और ऐसे करने में होता है कि लोग आनंद फानन में शराब बनाता है और विषैली शराब बन जाती है जिससे लोग पी करके मर जाता है। आजकल देख रहे हैं कहाँ कहाँ पकड़ा रहा, कहीं कोई बाहर से आ रहा है, कहीं कोई अंदर कर रहा, तो रोज पकड़ा रहा कि जो जेल में फंसे हुए हैं गरीब लोग, इनोसेंट लोग, उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। क्या करिएगा, कुछ लोग तो होता ही नहीं, हम लोग शुरू से न कर रहे हैं तो इधर उधर करता है। और वैसे मस्केटियर्स के जो बड़े बड़े मस्या हैं, हाजी मस्तान हैं, उनको पकड़ने का काम करें। इसमें तो ऐसा नहीं था और बाद में तो पता चल गया, आप जानते हैं यहाँ पर सबका ट्रेनिंग कराए। परिवर्तन में समीक्षा की बात हम कहा करते हैं, समीक्षा हो जैसे आज गुजरात मॉडल है ना, गुजरात में भी तो है शराबबंदी, तो वहाँ इस प्रकार की बातें तो नहीं हो पा रही है। सब जगह लिमिट है, कहीं ज़रूरत है तो उसको शराब मिल जाता है बजाबता परमिट के साथ, तो उसी तरह से यहाँ भी हो। और ऐसे करने में होता है कि लोग आनंद फानन में शराब बनाता है और विषैली शराब बन जाती है जिससे लोग पी करके मर जाता है। जो शराब 10 दिन में बनना चाहिए वो 2 घंटा में बन जाता है, उसमें यूरिया खाद देते हैं, फास्फोरस दे देते हैं, या गाय कुछ पहनाने वाले जो दवा है वो दे देते हैं और वही इंजूरियस हो जाता है जिससे लोग मरते हैं। अगर परमिट के साथ यहाँ मिले, हाँ परमिट के साथ हो जिससे गुजरात मॉडल, हाँ गुजरात मॉडल जैसे चलता है उस तरह से शुरू करें कि जो जेल में फंसे हुए हैं गरीब लोग, इनोसेंट लोग, उनको छुड़ाने का प्रयास करेंगे। और वैसे मस्केटियर्स के जो बड़े बड़े मस्या हैं, हाजी मस्तान हैं, उनको पकड़ने का काम करें। एकदम सरकार की तरफ से सब लोग, दोनों डिपार्टमेंट के लोग पूरी तरह इस पर देख रहे हैं कहाँ क्या है और एक एक चीज की जांच कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हुआ, कौन किया, कौन लाया, एक एक चीज को देख रहे हैं। और जैसे ही घटना घटी तो उस बात ये सब तरह तरह की बात आई, वो तो छोड़ दीजिए, उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, लेकिन जैसे ही घटना घटी थी उसी समय हमने अधिकारियों से कहा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसको तत्काल देखिए। और सबको कहा गया है कि एक एक चीज़ पर नज़र रखिए, तो कोई गड़बड़ काम कर रहा है तो उस पर नज़र कैसे ली, ये सब हम लोग पहले ही कह दिए थे और उसके बाद तरह तरह की बात आने लगी तो हम लोग क्या करते हो ही रहा। सबसे बड़ी बात है कि एक तो इतना आप जान लीजिए, ज़्यादातर लोग तो शराबबंदी के पक्ष में, लेकिन क्या करिएगा, कुछ लोग तो होता ही नहीं, हम लोग शुरू से न कर रहे हैं तो इधर उधर करता है, वो अच्छा काम नहीं करता है, समझाया जाता है और फिर भी जिनको जिम्मेवारी दी जाती है उसमें भी सब ठीक ढंग से कभी कभी काम नहीं करता है, तो एक्शन उस पर भी होता है, तो इसलिए एक एक चीज़ को देखा जाता है कि भाई कहीं कुछ हो रहा है, देखिएगा ना। तो आजकल देख रहे हैं कहाँ कहाँ पकड़ा रहा, कहीं कोई बाहर से आ रहा है, कहीं कोई अंदर कर रहा, तो रोज पकड़ा रहा, गिरफ्तार कर रहा। और हमने ये कह दिया है कि बिना मतलब का लोगों को नहीं, असली जो करता है अंदर तौर पर उसी को खोजिए और उसी को पकड़िए, ये हमने कहा है। आप जो यात्रा पर निकल रहे हैं सर, उससे फायदा होगा इस बार लगता है आप जो इस बार यात्रा पर जा रहे हैं? फायदा के लिए नहीं, देखिए आप तो जानते हैं हम सब दिन जाते हैं ना देखने के लिए, जो भी काम शुरू हम लोग पहले से किए हुए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है, कहाँ क्या कमी है, किनको क्या दिक्कत है, एक एक चीज़ देखने और समझने जाते हैं। एक तो विकास का काम कि कितना हुआ और दूसरी बात है कहाँ पर और क्या कमी है, वो सब देखने जाते हैं हम, उसके चलते उसका एकदम बिल्कुल आकलन करने, देखने, स्पॉट पर जा करके ये सब के लिए हम जाते हैं। तो आप लोग को तो पहले से मालूम ही है हमारी जो यात्रा होती है तो इस तरह का, इस बार वाला तो पूरा उसी के लिए है, खास करके विकास का और सपनों का, किसी को कोई कमी है, कमजोरी है, सबका बात सुनेंगे और सबको देखेंगे। सर माजी साहब कह रहे हैं कि सर गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए, आपके जब वहाँ से निकलने के बाद उन्होंने कहा कि पता नहीं, वो हमसे आएंगे तो उनको बता उनको क्या पता है कब लागू हुआ था, तो ये क्या सर्वसम्मति से लागू हुआ जी, उसमें तो ऐसा नहीं था और बाद में तो पता चल गया, आप जानते हैं यहाँ पर सबका ट्रेनिंग कराए।